नमस्कार आप सभी का, मैं हूँ अर्चना शर्मा। आज मैं पात्रा की रेसिपी लाई हूँ और ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बहुत ही फिलिंग ब्रेकफास्ट होता है ये। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर पत्तियाँ ली हैं अरबी की, तो अरबी के पत्ते जो होते हैं बहुत ही आसानी से मार्केट में भी मिल जाते हैं, बिकते हैं, और ये तो मेरी गार्डन फ्रेश पत्तियाँ हैं, मैंने घर पर लगा कर रखी हुई हैं, तो मैं हर कुछ दिन में इन्हें बनाती हूँ। तो ये देखिए 6 से 7 पत्तियाँ और ये कुछ बेसन और ये मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है। सारे इंग्रेडिएंट और उनकी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कुछ मसाले भी लिए हैं। तो अब सबसे पहले हम पेस्ट तैयार कर लेंगे बेसन का और मसालों का, जो हम पत्ती पर अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बेसन में ऐड कर दिया है ये पेस्ट, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं अजवाइन डाल रही हूँ थोड़ी सी मसल करके, ताकि अच्छे से सारे फ्लेवर जो हैं अजवाइन के बेसन में आ जाएं। और ये हींग है, तो एक चुटकी हींग डालना है आपको। और ये अमचूर पाउडर है, तो आधा छोटे चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। कारण ये है कि इससे टेस्ट बढ़ जाएगा, और सबसे बड़ा कारण ये है कि गला जो है आपका काटता नहीं है पत्ता, अगर आप खाते हैं कुछ अगर ऐसा लगेगा, किसी तरह कोई खारिश नहीं होगी। तो फिर मैंने ऐड किया है इसमें हल्दी पाउडर और नमक, और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। तो ये सारे मसाले जो है बस इसमें जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डलते हैं, और इसी में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो अब हम पानी की हेल्प से इसे बनाएंगे। तो मैं एक बिना गुटली वाला बहुत ही अच्छा सा बैटर इसका बना करके तैयार करूँगी पेस्ट, जो कि बहुत पतला या बहुत मोटा नहीं होगा। तो आप देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे बहुत अच्छे से फेंटते हुए बनाना है। पहले सारी गुठलियाँ ख़त्म कर लेनी है, किसी तरीके के कोई लम्स नहीं होने चाहिए आपके बैटर में। तो मैंने इसे बहुत अच्छे से फेंटा है 5 मिनट लगभग, और ये देखिए इस टाइप का पेस्ट बन करके तैयार होना चाहिए हमारा बेसन का। तो बस अब क्या करेंगे, ये जो पत्तियाँ हैं इनके पीछे की जो डंठल होती है इसे आप कट कर लीजिए, और मैंने ऊपर से थोड़ा सा इसे स्लाइस किया है, जो ज़्यादा मोटा पार्ट होता है डंठल का वहाँ से। तो इस बोर्ड पर मैं एक एक करके पत्तियों को रखूँगी और इस पर अप्लाई करते जाऊँगी ये जो बेसन का पेस्ट हमने बनाया है मसाले वाला। तो बस ये देखिए एक इस तरीके से एक पत्ती रखिए आप, और ऐसे लगाते जाइए। चाहे तो आप हाथों का यूज़ भी कर सकते हैं, उंगलियों की सहायता से भी काम कर सकते हैं, या फिर आप चम्मच की हेल्प से ही कर सकते हैं। तो मैं इसे चम्मच से ही लगा रही हूँ, क्योंकि हाथों से थोड़ा मैसी हो जाता है इसलिए। तो इस तरीके से सारे पत्ते पर आपको इस पेस्ट को फैला देना है। एक एक करके सभी पत्तों पर हम इसे लगाएंगे, और एक एक पत्ते इस पर बिछाते जाएंगे सेम वे में। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने एक पत्ते पर इसे लगा दिया है, और अब मैं दूसरा पत्ता इस पर डाल रही हूँ। तो ये दूसरा वाला पत्ता ले लिया है मैंने। तो पत्ते हमें बड़े छोटे 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 इस टाइप से बिछाने हैं, सबसे पहले बड़े साइज़ का, फिर थोड़ा छोटा, फिर छोटा, इस टाइप से जो भी हमारे पास जिस साइज़ के भी पत्ते हैं उनमें। और इसे मैंने पलट करके ऐसे बिछाया है, तो ये रोल करने में काफ़ी आसानी हो जाती है जब हम इसे रोल करते हैं तो बाद में। तो ये जो है एक बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, और पुरानी रेसिपी भी है कह सकते हैं आप। और ये यूपी में बनाई जाती है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, वहाँ तो बनाई जाती है। इसके अलावा भी 2-3 रीजन और हैं जहाँ पर ये बनाई जाती है। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी, इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी, और इसे खाने के बाद बिल्कुल पेट भर जाता है। तो आप चाहे तो इसे डिनर में भी बना सकते हैं, काफ़ी फिलिंग रेसिपी है और बहुत पौष्टिक भी होती है। स्टीम करके भी खा सकते हैं सिर्फ आप इसे, और या तो सिर्फ चाहें स्टीम करने के अलावा अगर आपको फ्राई करना पसंद है तो थोड़ा सा तड़का लगा दीजिए इसमें, जैसे मैं आपको बताऊँगी आगे वीडियो में। तो बस इस तरीके से मैंने सारे पत्ते बिछा लिए हैं, एक के ऊपर एक पेस्ट लगा करके बेसन का। अब ये देखिए मैं इसे इस तरीके से सारे पार्ट्स जो है पत्तियों के ऐसे अच्छे से पकड़ते हुए, कवर करते हुए, इन्हें इस तरीके से दबाते हुए हल्के हल्के हाथों से आपको इसे रोल करते जाना है। बहुत तो मुश्किल काम नहीं है, आसानी से बिल्कुल हो जाएगा।
जैसे ये मैं बना रही हूँ आप देख सकते हैं आसानी से स्टिक हो जाता है क्योंकि इसमें बेसन लगाया है हमने। तो बस इस तरीके से पूरा रोल कर लें, जितने भी रोल आपके तैयार होंगे ऐसे बना लीजिए, और छः सात पत्तियों का करीब। और बस फिर क्या करने हैं कि आपको जो एक इस तरीके की प्लेट लेनी है, इसे ग्रीस कर लेना है ऑयल से। मैंने ये मेरी स्टीमर की प्लेट है, इसमें ऑयल लगाकर ग्रीस किया है इसे। और ये जो रोल है बचा हुआ, जो आपके पास बेसन का थोड़ा सा पेस्ट रहेगा उसे आप इसे ऊपर से भी लगाइए ताकि चारों ओर जो है पेस्ट रहे इसका, और टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा बेसन का और मसालों का पूरे पात्रा में। तो बस ऐसे ही आप अप्लाई कर दीजिए पूरे पेस्ट को चारों तरफ रोल के, और इतना करने के बाद में हम इसे प्लेट में रख के स्टीम करेंगे। तो इतना पेस्ट जो हमारा था ये बिल्कुल परफेक्ट था बनाना एक रोल के लिए। तो आप क्वांटिटी ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट कीजिए। और आपको रेसिपीज़ मेरी कैसी लगती है उसके बारे में कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही अच्छी अच्छी टेस्टी और ईजी रेसिपीज़ के लिए। तो बस अब हम इसे स्टीम करेंगे स्टीमर में। तो मैंने यहाँ पानी गर्म होने रख दिया था, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, पानी गर्म हो चुका है, उबलने लगा है। तो बस ऐसे आप डाल दीजिए इसे, आप कढ़ाई में भी इस तरीके से पानी गर्म करके ऊपर से कोई छलनी वगैरह प्लेट के ऊपर रख करके या रिंग के ऊपर रख करके स्टीम कर सकते हैं। तो बस ढक करके मैं इसे 15 मिनट स्टीम करूँगी, और ये 15 मिनट के बाद में बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पक चुका है बेसन को। आपको इसे एक्चुअली में पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कच्चा रहेगा बेसन तो वो आपको नुकसान भी कर सकता है और टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो पूरा 12 से 15 मिनट ज़रूर इसे आप पकाइए मीडियम फ्लेम पर, और फिर इसे हम निकाल लेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हम बाहर निकाल लेंगे, आसानी से प्लेट छोड़ देगा ये। और इसके बाद मैं इसे कट कर रही हूँ, तो देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। थोड़ा थोड़ा सा मोटा रिंग्स के फॉर्म में हम इसे कट करेंगे इस तरीके से, और हमारा स्टीम्ड पात्रा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसे हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है फ्रेंड्स, मेरी तो एक फेवरेट रेसिपी है ये। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और चाहे तो आप इस तरीके से खाइए, मैं तो नॉर्मली इसी तरीके से खाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और नहीं तो फिर नेक्स्ट मैं इसे आपको फ्राई करना बताती हूँ कि इसे फ्राई कैसे किया जाता है। तो आप इसे तड़का मार लीजिए तो ये और थोड़ा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन गरम कर लिया है, कढ़ाई है, उसमें मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर दे रही हूँ, और इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें डालेंगे और उसमें फटाक से तड़का लगाएंगे और झटपट से हमारी रेसिपी तैयार। तो ये देखिए थोड़ा सा ज़ीरा आपको इसमें डाल देना है, और इसके बाद ये जब थोड़ा सा चटकने लगेगा तो हम इसमें थोड़ी सी राई ऐड कर देंगे। राई भी जब थोड़ी सी चटक जाएगी तो उसके बाद हम इसमें थोड़े से तिल जो है वो ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से ही क्वांटिटी में आपको इसे लगभग आधे ही चम्मच के करीब सब कुछ ऐड करना है। और बस हम इसमें एक एक करके ये सारे ड्रॉप कर देंगे, हमारे रिंग्स जो बनाए हमने पात्रा के वो। तो ये गुजराती रेसिपी भी है, आप गुजरात में भी जाएंगे तो ये आपको मिलेगी, यूपी में जाएंगे वहाँ पर भी मिल सकती है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और पुरानी रेसिपी है। तो बस इस तरीके से आप इसे फ्राई कर लीजिए पलटते हुए दोनों साइड से, और जब ये हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा, तो आप इसे निकाल लीजिए। बहुत कम समय में ही फ्राई हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग तीन या चार मिनट शायद आपको लग सकते हैं, या उससे भी कम समय लगेगा। तो बस इस तरीके का जब ये हो जाएगा तो मैंने इसे निकाल लिया है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया है, और बाकी के बचे हुए पीसेस को भी मैं इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर ले रही हूँ। तो ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसे तड़का लगाया है, वरना मैं तो इसे स्टीम करके ही खा लेती हूँ। तो ये देखिए इसे भी हम सेम वे में ही तड़का लगा लेंगे, और हमारे डिलीशियस पात्रा बनकर के तैयार है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स पात्रा रेडी है, आप इसे सर्व कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फूड एंड मोर विद आरजे के साथ बने रहिए।